नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है आज सुबह के सभी ताजा खबरों की। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, पीएम मोदी आज करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती आज, यूपी विधानमंडल का सत्र आज से शुरू। सुशांत सिंह मामले की जांच के लिए सीबीआई एसआईटी की टीम आज होगी मुंबई रवाना। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली में खुलेंगे अब होटल, केंद्रीय कैबिनेट ने लिए अहम फैसले। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को दी बड़ी राहत। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे, जहां ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में शीर्ष 129 शहरों और राज्यों को स्वच्छ महोत्सव शीर्षक से कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 76वीं जयंती है, जहां इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने उन्हें याद किया। आपको बता दें कि भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जहां इस सत्र में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग विधायकों को सदन में वर्चुअल तौर पर भाग लेने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई विधानमंडल दल की बैठक में यह तय किया गया था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजद को आज बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय आज आरजेडी के 3 और विधायक के साथ जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं। गौरतलब है कि इससे पहले आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आज कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 के रिजल्ट की घोषणा करेगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आज रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट kea.kar.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सीबीआई एसआईटी की टीम आज मुंबई के लिए रवाना होगी, जहां इस टीम में 2 एसपी और 1 जांच अधिकारी शामिल होंगे। राजस्थान में कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प के साथ राज्य की अशोक गहलोत सरकार आज से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर आज से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कोई भी जरूरतमंद राजस्थान में महज 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेगा। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जहां इस कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ युवाओं को साधने के लिए वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं, जहां इस दौरान वे युवाओं से संवाद करेंगे। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की समीक्षा की है, जहां सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस लेने का फैसला किया है। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए काफी राहत भरी खबर दी है। दरअसल बैंक ने ट्वीट के जरिए बचत खाता धारकों को सूचित किया है कि वे सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने वाले ग्राहकों से किसी तरह का शुल्क नहीं लेगी। आपको बता दें कि बैंक इसके साथ ही SMS चार्ज को भी माफ करने की जानकारी दी है। देश की सेना लद्दाख में अब बिना किसी रुकावट के अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकेगी, जहां इसके तहत भारत सरकार मनाली से लेह तक एक नई सड़क बनाने की योजना पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये सड़क लद्दाख को बाकी देश से जोड़ने वाली तीसरी लिंक होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में जो गरीब हैं और जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, उनको 1 सितंबर से प्रति परिवार के हिसाब से 1 रुपए प्रति किलो नमक, गेहूं और चावल, जबकि 1.5 रुपए प्रति लीटर केरोसिन तेल दिया जाएगा। BCCI ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक फेयरवेल मैच का आयोजन करने की तैयारी की है। इस विषय पर BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड आगामी IPL के दौरान इस मामले में धोनी से बात करेगा और फिर उसी के अनुसार आगे का कार्यक्रम तय करेगा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की CBI जांच पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैंने आज तक नहीं देखा कि मामला कहीं की है और जांच कहीं और हो रहा हो। काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा ने क्लास 12वीं के कॉमन स्ट्रीम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। ऐसे में वे स्टूडेंट जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट www.orrisaresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में हुए मामले का ईडी ने अब खुद संज्ञान लिया है और इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ईडी ये जांच करेगा और जो लोग कैंपस में घुसे और मामले को अंजाम दिया, क्या किसी व्यक्ति या संस्था के जरिए उनको इस काम के लिए पैसे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई पुलिस नाहक प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे तथा सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई को सौंप दे। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई पुलिस की क्षमता पर किसी को शक नहीं है, पर इस मामले की जांच में ढिलाई बरती जा रही थी और यह दिख रहा था, कारण सरकार जाने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी के माध्यम से जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डे को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के बाद पीपीपी मॉडल के तहत मध्यम में अडानी इंटरप्राइजेज ने देश के 6 हवाई अड्डों के परिचालन के अधिकार हासिल किए थे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मणिपुर के 5 विधायक अब भाजपा में शामिल हो गए और इसके बाद इन सभी विधायकों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। उत्तराखंड स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 4 सितंबर को सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। आपको बता दें कि प्रशासन एवं गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने 23 अगस्त को होने वाली स्कूल प्रवक्ता नियोग के हिंदी विषय के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए पुराने नियम में बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक नई व्यवस्था में शैक्षणिक योग्यता, आयु सहित अन्य दस्तावेज परीक्षा केंद्रों में ही जमा होंगे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि सबसे पहले सुशांत केस में हमने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग की थी और उसी का परिणाम था कि 40 दिन से सोई बिहार सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना पड़ा। आशा है कि एक तय समय सीमा के अंदर सुशांत को न्याय मिलेगा। झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे को पद से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, जहां इस मामले में हुई कार्रवाई में कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में नियुक्ति किए गए प्रभारी डीजीपी एमवी राव पद पर बने रहेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अभी इस मामले में कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन पहले सीएम उद्धव ठाकरे और फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री से उनकी मुलाकात बता रही है कि इस मामले में आंतरिक रूप से रणनीति बनाई जा रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की खासी आलोचना हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के लवकुश नगर से हमारे संवाददाता हेमंत कुमार श्रीवास बता रहे हैं कि लवकुश नगर पंचायत के सभागार में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां इस बैठक में सभी समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग के लोग मौजूद रहे। इस बैठक में आने वाले पर्व गणेश उत्सव एवं मोहर्रम के विषय पर चर्चा हुई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता एसपी सुखवाल बता रहे हैं कि जिला कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के संकल्प से प्रारंभ होने वाली कोई गरीब भूखा न सोए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त को होगा। साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि इंदिरा रसोई योजना जिले में 1 नगर परिषद एवं 5 नगर पालिकाओं में चिन्हित जगहों पर संचालित होगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से हमारे संवाददाता संजय भारती बता रहे हैं कि जनपद सोनभद्र के सीमावर्ती राज्यों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में ऑपरेशनल कार्यक्रम के तहत थाना जुगेल क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र गायघाट, खरहरा व गोठानी के जंगल में सघन कॉम्बिंग की गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर से हमारे संवाददाता सानू खान बता रहे हैं कि रामपुर पुलिस अधीक्षक सगुन गौतम के आदेशानुसार जनपद रामपुर के समस्त क्षेत्राधिकारियों तथा थाना प्रभारियों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत अपने अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले बैंक एटीएम के आसपास एवं मुख्य चौराहे स्थानों पर दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार बता रहे हैं कि मैनपुरी के थाना किसनी में दो पक्षों में एक जगह पर भैंस बांधने को लेकर जमकर एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। वहीं इस मामले में एक पक्ष की प्रेमलता पति बेचेलाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय मैनपुरी में शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई।
तो ये थी आज सुबह की सभी ताजा खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।